कर्फ्यू के दौरान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और उसके दोस्तों और पुलिस मुलाजमों के साथ बरनाला के गांव बडबर में सरकारी AK-47 के साथ फायरिंग करने की वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद बरनाला पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला, उसके दो दोस्तों और 6 पुलिस मुलाजमों के खिलाफ धारा 188 और 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद मशहूर वकील रवि जोशी ने हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने सभी 9 आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR में आर्म्स एक्ट 120B IPC धारा भी लगा दी थी, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से सिद्धू मूसेवाला को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी और उसे पेश होने के लिए सख्त नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि बार बार नोटिस देने के बावजूद भी सिद्धू मूसेवाला बरनाला पुलिस प्रशासन के सामने पेश नहीं हो रहा। उल्टा जो पिछले दिनों नाभा में सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी का चालान किया गया, उस दौरान काफ़ी समय वह पुलिस के संपर्क में रहा, पर पुलिस ने उस समय भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। नाभा शहर की घटना के बाद पटियाला IG रेंज की तरफ से सख्त नोटिस लेते हुए 12 तारीख को सिद्धू मूसेवाला को SP बरनाला भूपेंद्र भारद्वाज के पास पेश होने के लिए फरमान जारी किया गया था और 12 तारीख को जब भूपेंद्र भारद्वाज SP बरनाला से बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़े शब्दों में सिर्फ इतना ही कहा कि आज उसने पेश होना था पर नहीं हुआ, जिसकी रिपोर्ट इस केस के सुपरवाइजर अफसर SSP संगरूर को भेज दी गई है और आगे जो भी कार्रवाई होगी उस मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद TV न्यूज़ के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला जी उरे आज पेशी सी सर, उदे बारे सर की आज पेश होए ने सर? नहीं आए, नहीं तक तो नोट सीता है सुनो, एदे विच मुकदमे दे विच तंडे नंबर च जे थर वो नहीं आए आज, इस बाद अगली कार्रवाई की? अगली कार्रवाई यह है कि SSP संगरूर जो सुपरवाइजर अफसर ने जो दिशा निर्देश देने के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मामला 57 नंबर मुकदमा साढ़ा 4-5 नूं होया सी, उन्होंने 9 बंदे खिलाफ दर्ज होया सी, इन्होंने 25 जन 9 ते 120 ते 188 ते 51 डिजास्टर एक्ट दा मुकदमा दर्ज होया सी उन्होंने खिलाफ।